हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फॉर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, देखिए डीएनए के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में बात करें, डीएनए और आरएनए होता क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम सब इंसान हैं, और सिर्फ इंसान ही नहीं और जो अलग भी जीव जंतु हैं, सबके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। डीएनए की वजह से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा और कैसा मतलब किस प्रकार का होगा। डीएनए से ही हमें पता चलता है कि हर व्यक्ति का डीएनए जो है वो ब्लड सैंपल से देखा जाता है, वो अलग अलग होता है। मतलब हर व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो डीएनए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है डबल स्टैंडर्ड के अनुसार जो है देखा जाता है, और यहाँ पे और आरएनए में जो है यूजली सिंगल स्टैंडर्ड के अनुसार देखा जाता है। देखिए, डीएनए डबल होता है और आरएनए जो होता है सिंगल होता है। मेन इसका यूज सिर्फ इतना है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें तो केमिकल फॉर्मूला इसमें दिख रखा है CH2HOH। हर व्यक्ति का जो डीएनए बनता कैसे, जो मेल और फीमेल का जो बेस पेयर होता है वो मिलकर के क्या बनाता है, एग बनाता है। और एग बनाने में जो मेन वर्क करता है बेबी होने तक और बेबी होने से बड़े होने तक, यानी बेबी से बड़े होने तक, ये बनता है मेल और फीमेल के डीएनए के स्ट्रक्चर से मिलकर के। जो नया स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे बोलते हैं हम लोग बेबी स्ट्रक्चर। तो वो कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए होता है डीएनए के बेस पे ही फाइनल होता है। कि लोग कहते हैं ब्लड सैंपल चेक करा लो, लेकिन ब्लड सैंपल के अलावा भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डीएनए। डीएनए के भी आप ही पता चलता है कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें क्या क्या आदतें हो सकती हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डीएनए के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसे तो बहुत सारी बायोलॉजिकल की बुक्स हैं, उसमें आपको डीपली साइंटिस्ट के तौर पर बताया जाएगा। लेकिन सिंपल फॉर्म में डीएनए के बारे में सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि डीएनए में आप ये जान सकते हैं कि जो आपका होने वाला जो बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि होने वाला बेबी का जो बॉडी स्ट्रक्चर वो कैसा होगा। लेकिन आज के समय में डीएनए टेस्ट बना है, इसलिए डीएनए टेस्ट ना करवाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।